किसान जथेबंदियों के वलों अज रेल रोको अंदोलन किया गया तो उत्थे ही केंद्र सरकार नू मुड़ तो ललकारिया गया है। तो दस दिए कि उत्थे ही अगली रणनीति जड़ी के किसान जथेबंदियों के वलों घड़ी गई है तो दूजे पासे उन्होंने केंद्र सरकार नू लैके जड़े कि कुछ सवाल किए हैं तो अपनी एम एस पी की कानूनी गरंटी नू लैके लगातार मांग की जा रही है तो उत्थे ही इंसाफ की मांग बार बार किसान जथेबंधियों के वलों की जा रही है। सरवण पंधे वलों जिहड़ा कि केंद्र सरकार नू फिर तो पलटवार किया गया है तो उत्थे ही कंगना रनौत नू लैके भी उन्होंने जवाब दिता। आओ तुहानू सुणाउने आ सरवण सिंह पंधेर दा होर की कहना है। तो इसलिए दो घंटे का रेल रुको है और हमें देश की राजधानी में नहीं जाने दिया गया और हमारे जो हरियाणा के बॉर्डर उनके ऊपर शहीद शुभकर्ण को गोली मारकर शहीद किया गया, 433 से अधिक किसानों को जख्मी किया गया और हरियाणा में 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाकर हरियाणा को जेल में बदल दिया गया। अब हरियाणा के निवासी इन सब जो वो भाजपा ने किया उसका 5 अक्टूबर को जवाब दे देंगे। हम हरियाणा के लोगों को यही अपील करना चाहते हैं, जब भी वोट डालने जाओ जिस पार्टी को मर्जी डालो, हमारा कोई लेना देना नहीं, पर याद रखना एमएसपी लीगल गारंटी कानून नहीं बनाया भाजपा ने। याद रखना हमें दिल्ली नहीं जाना दिया गया। याद रखना बॉर्डरों के ऊपर एक सरहद बना दी गई और हमारे ऊपर जुल्म किए गए। अगर आप किसान मुद्दे को, हमारे ऊपर हुए जुल्मों को याद रखेंगे फिर आप सही जगह कर वोट करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ साथ अब पंजाब में धान की खरीद नहीं हो रही है। इस समय जो व्यापारी हैं, जो मिलर्स हैं, आढ़ती हैं और जो मंडी के मजदूर हैं वो हड़ताल करके बैठे हुए हैं। तो हमारा केंद्र सरकार इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, पंजाब सरकार भी जिम्मेवार है। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं किसानों को मिलकर अब इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू ना करना पड़े, इसके लिए हम पंजाब और केंद्र को वार्निंग दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मंडियों में धान की खरीद शुरू करवाई जा सके, सभी मसलों का आप हल कीजिए। इसी के साथ साथ जो डीएपी का क्राइसिस है पंजाब में, ये केंद्र का पैदा किया हुआ, उस समस्या का हल कीजिए। अब पराली और प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हमारी दुखद विदा है पूरी मीडिया के सामने कि अभी भी वैज्ञानिक ढंग से 2% हमारा प्रदूषण होगा पराली का। हम नहीं चाहते पराली को आग लगाना, लेकिन उसका ठोस मसले का हल नहीं किया गया है। जो 58% प्रदूषण है उसके ऊपर मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती। 51% इंडस्ट्री प्रदूषण करती है, 25% आवाजाही के संसाधन पोल्यूशन करते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। हमें लगता है ये पोल्यूशन का मुद्दा नहीं है, केंद्र वर्सेस पंजाब ये राजनीति हो रही है पंजाबियों को बदनाम करने के लिए। ये पराली को मुद्दा बनाकर किसानों के अक्स को खराब किया जा रहा। इसी के साथ साथ अब पिछले दिन ही कंगना रनौत जी ने फिर हिमाचल में फिर पंजाबियों के ऊपर हमला किया और बोला कि पंजाब के नौजवान ड्रग एडिक्ट हैं, और यह भी बोला कि पंजाब के जो जुआ होते हैं वो उपद्रवी होते हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही। मैं तो चाहूंगा बहन कंगना से कि आप सामने आए और मैं सरकार से मांग करूंगा कि आपकी एमपी है भाजपा की, इसका डोप टेस्ट होना चाहिए, देश के सामने सच आना चाहिए कि कंगना जी सच्ची सुच्ची हैं या क्या मसला है। और हमने पहले भी भाजपा को बोला है कि जो कंगना रनौत जी जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जिस तरह से हमें बदनाम कर रही है, भाजपा को जो भाजपा के प्रदेश पार्टी के देश के अध्यक्ष हैं उनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम फिर बोलना चाहेंगे कि कंगना रनौत जी हो या रमनीत बिट्टू जी हो, इनके बयानबाजी से अब पंजाब में नए ढंग से आग नहीं लगनी चाहिए, इनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। आज जैसे देवीदासपुरा ते पीसी कर रहे हैं रेल ट्रैक दे उत्ते और हुण कुछ देर बाद असी रेल ट्रैक ते चढ़ जांगे, साडा देश व्यापी रेल रोको अंदोलन आ और यह रेल रोको अंदोलन जड़ा वा एक तो लखीमपुर खीरी का इंसाफ लैण वास्ते भी लखीमपुर खीरी दे विच जिवें किसानां ते गड्डियां चढ़ाईयां गईयां, जिवें गड्डियां चढ़ा के 4 किसान शहीद किए गए, एक पत्रकार जड़ा वा ओ शहीद किया गया, अजे तक ओहदा इंसाफ सानू
नहीं दिता गया, दोषियों जमानत दे दी गई। और दोषी जड़े अजय मिश्रे टहनी का मुंडा बाहर आ, उन्हों का भरा बाहर आ, बाकी दोषियों भी जमानत दिखा जाने की तैयारी की जा रही है। ये जरा 13 फरवरी तो साडा अंदोलन चल रहा, जेदे बार्डर से सानू रोकया गया, दिल्ली नहीं जान दिता गया, 433 किसान जख्मी होए, 70,000 अर्ध सैनिक फोर्स ला दी गई हरियाणे दे विच। इहदे गाहां जिहड़ियां साडियां मंगां सी MSP लीगल गरंटी कानून, किसानां मजदूरां दी करजा माफी, नरेगा, फसली बीमा योजना आदि मंगां मंगियां नहीं गईयां। इह ओह मंगां ने 2014 तो बाद जदों प्रधानमंत्री जी कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन सी, उन्हां दा आप दा बयान आ भी किसानां नूं MSP लीगल गरंटी कानून दित्तियां तो बगैर काम नहीं चलना। C250 वाली गल भी उन्होंने चोन मैनीफेस्टो च कही, बेशक सुप्रीम कोर्ट च जाके मुकर गए हैगे ने।